आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। शारदेय नवरात्र 2024 आरंभ हो चुका है। माता के विराज ने का सिलसिला आरंभ हो चुका है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। आज हम आपको लेकर आए हुए हैं दुर्गा चौक के मंदिर। राजराजेश्वरी देवी का यहाँ पर मंदिर है, राजराजेश्वरी देवी की प्रतिमा, और प्रतिमा में के पास जो कलश रखे जाएंगे उन कलश की तैयारी एक दिन पूर्व की जा रही है। पुजारी यहाँ बैठे हुए और माता राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता राजराजेश्वरी सामने आपको विराजी हुई दिखाई दे रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बहुत सिद्ध पीठ मानी जाती है माता राजराजेश्वरी का देवालय, बहुत सिद्ध पीठ के रूप में जाना जाता है। शहर के हृदय स्थल बुधवारी में स्थित है दुर्गा चौक, और माता राजराजेश्वरी के नाम के कारण ही इस चौराहे का नाम दुर्गा चौक रखा गया बताया जाता है। कितनी सुंदर सलोनी मनभावन प्रतिमा। पहले दिन हम आपको नवरात्र के पहले दिन, वैसे तो पूजा होती है माता दुर्गा के स्वरूप की, और जिस स्वरूप की पूजा होती है माता शैलपुत्री माता का स्वरूप है, जिनकी पूजन होती है माता शैलपुत्री के प्रथम दिवस पूजन के अवसर पर राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता दुर्गा की हम आपको प्रतिमा दिखा रहे हैं। माता दुर्गा के राजराजेश्वरी देवालय के पुजारी के द्वारा क्या कहा गया समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से नवरात्र के बारे में, आइए सुनते हैं। जी पंडित जी, बताइए क्या क्या कार्यक्रम है दुर्गा चौक का मंदिर में। भाई साहब, भगवती राजराजेश्वरी हमारा सिद्ध स्थल, जहाँ पर समस्त भक्त अपनी मनोकामना कलश रखते हैं, और प्रतिवर्ष यहाँ कम से कम 500 से 600 कलश होते हैं। सभी भक्त जो हैं अपनी मनोकामना जो कलश रखते हैं, मनोकामना पूर्ण होने पर श्रृंगार वगैरह सब होता है। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताएं कि प्रतिदिन स्थापना के बाद सहस्त्रार्चन होता है भगवती का, और पठा पठा पूजन होती है, पंडितों के द्वारा सप्तशती का पाठ किया जाता है। यहाँ लगातार 9 दिन इस प्रकार के काम चलते हैं। हमारे जो भी श्रद्धालु भक्त हैं अपनी मनोकामना को लेकर के यहाँ 9 दिन तक आते हैं। 9 दिन हमारे यहाँ 9 माताओं की पूजा होती है, ये हमारे यहाँ का कार्यक्रम है। सुना आपने क्या कहना था राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता के देवालय के पुजारी का। देखिए कलश ऊपर आपको शिखर दिखाई दे रहा होगा माता के इस देवालय का, बहुत सुंदर, बहुत सलोना, बहुत अलौकिक यहाँ पर आपको शिखर के हमने दर्शन कराए। ये माता का मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार आपको दिख रहा होगा माता के देवालय का। माता का देवालय ठीक सामने आपको दिखाई दे रहा है। माता की प्रतिमा यहाँ पर बहुत ही सुंदर सलोनी प्रतिमा, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, वे इस देवालय, ये देवालय उनको बहुत प्रिय था, राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता का ये देवालय। ऊपर शिखर आपको दिखाई दे रहा होगा, राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर समिति के द्वारा ये जानकारी भी दी गई कि यहाँ पर जीर्णोद्धार का कार्य लगातार जारी है। अगर आप इसमें सहभागी बनना चाहते हैं तो यहाँ पर पहुंचकर आप इसमें दान देकर सहभागिता अपनी सुनिश्चित कर। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। माता राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी का यह देवालय, ऊपर धर्म ध्वजा आपको दिखाई दे रही होगी, शान से लहरा रही है धर्म ध्वजा यहाँ पर। इस धर्म ध्वजा को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के द्वारा, जब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ब्रह्मलीन नहीं हुए थे, उस समय इस धर्म ध्वजा को लहराया गया था।
ये पूरा यहाँ पर कार्यक्रम आपको दिखाई दे रहा होगा, श्री माता राजराजेश्वरी मंदिर दुर्गा चौक पे। और यहाँ पर देखिए बैठे हुए हैं, पुजारी भी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग कलश अपने अपने नाम का, अपने परिवार के नाम का, परिजनों के नाम का, स्वयं के नाम का, जिनके द्वारा भी कलश स्थापित किया जाता है, उनके द्वारा यहाँ पर बकायदा निर्धारित शुल्क अदा करके कलश की स्थापना कराई जाती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट, त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी माता राजेश्वरी सामने विराजी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। बहुत सुंदर और आकर्षक प्रतिमा माता की, माता की चरण पादुकाएं आपको दिख रही होंगी। यहाँ जल लोग चढ़ाते हैं माता की पादुकाओं के ऊपर, ये आपको अब दिखाई देंगी माता की सुंदर सलोनी मनभावन नयनाभिराम, जिस पर से नजरें नहीं हटती हैं, वो प्रतिमा अब आपके सामने दिख रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। हम आपको ये बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ का एक धर्म प्रभाग भी आरंभ किया गया है। धर्म प्रभाग में धर्म से संबंधित जानकारियों को संकलित कर आप तक भेजने का प्रयास लगातार जारी है। धर्म प्रभाग में जो भी माता दुर्गा से संबंधित, माता ब्रह्मचारिणी से संबंधित, माता के नौ स्वरूपों से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, इसके पूर्व हमने आपको बुद्धि विनायक भगवान गणेश के बारे में उनकी सारी कहानियां, लगभग जितनी कहानियां मिल पाई उन कहानियों से भी आपको अवगत कराया। पितृपक्ष किस तरह का होता है, पितृपक्ष क्यों होता है, गरुड़ पुराण क्या हो क्या कहता है, ये सारी जानकारियाँ भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के धर्म प्रभाग के माध्यम से आप तक भेजने का, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। प्रयास किस तरह का है इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आपके द्वारा दिए गए सुझाव इन सारी खबरों को, जानकारियों को और उन्नत करने में सहायक साबित होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माता दुर्गा का यह देवालय शिव की नगरी सिवनी के बुधवारी बाजार में दुर्गा चौक में स्थित है। सिद्ध पीठ माना जाता है इस देवालय को। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे हम। अभी एक बार फिर आपको माता की प्रतिमा दिखा रहे हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।